गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम दृष्टिबाधित बालकों में शिक्षा के लिए सहायक युक्तियों के विषय में बताएंगे कि उनको शिक्षा प्रदान करने से के समय किन किन सहायक युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम दृष्टिहीन बालक के विषय में बात करते हैं कि दृष्टिहीन बालक किसे कहते हैं। हालांकि हमने आपको पहले भी बता दिया है कि जिन बालकों को आँखों से दिखाई नहीं देता है उन्हें दृष्टिहीन कहते हैं। जो बालक दुनिया के रंग बिरंगी छटाओं, प्राकृतिक दृश्यों, सागर की उछलती कूदती लहरों, झरझर करते झरनों, बाग बगीचों में खिले हुए सुंदर सुंदर फूलों आदि को देख नहीं पाते हैं, अतः नेत्र के बिना उनका संपूर्ण संसार ही अंधकारमय होता है और संपूर्ण संसार उन्हें अंधकारमय लगता है। ऐसे बालकों को नेत्रहीन बालक कहा जाता है और इसीलिए सभी अंगों में नेत्र प्रधान होता है। अंधे बालक जो होते हैं वो बिल्कुल आश्रितता दूसरों पे आश्रित होते हैं अपने सभी कार्यों के लिए, क्योंकि उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है तो वह कार्य कैसे करें। और यही आश्रितता उनके जीवन को इतना कष्टकारक एवं नीरस बना देता है कि उन्हें जीवन में जरा सी भी आनंद नहीं आती, बल्कि वे जीते जी नरक के समान जिंदगी जीते हैं और अपना आत्मविश्वास खो देते हैं। वे अपने जीवन को व्यर्थ व निरर्थक समझते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे बालकों को लोग दया की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन ऐसे बालकों को क्या दया की दृष्टि से देखना चाहिए या सहानुभूति, प्रेम एवं करुणा के साथ साथ सहयोग एवं सहायता की दृष्टि से, यह सोचने और विचारने की बात है कि जब हम ऐसे बालकों को दया के स्थान पर उनको पूर्ण सहयोग व सहायता प्रदान करते हैं तो उनके जीवन में कुछ आशा की किरण ला सकते हैं। हम उन्हें नेत्र नहीं प्रदान कर सकते हैं, लेकिन जीवन जीने की कलाओं को सिखा सकते हैं, उन्हें शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। उन्हें सामान्य बालक तो हम बना नहीं सकते, लेकिन सामान्य बालक एवं सामान्य नागरिक जैसा बनाने का प्रयत्न सहयोग एवं सहायता के द्वारा प्रदान किया जा सकता है। और यह सहयोग और सहायता दृष्टि बालकों की शिक्षा, जब हम शिक्षा प्रदान करते हैं ऐसे बालकों को, शिक्षा में सहायता प्रदान करते हैं, तब यह सहयोग एवं सहायता पूर्णतः समझी जाती है। तो दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा में देने में हम किन तरीकों को अपनाएं, कक्षाओं का कैसे आयोजन करें, विशिष्ट बालक है ये तो इन्हें विशिष्ट अध्यापकों से पढ़ाना है, विशिष्ट विद्यालय में पढ़ाना है कि सामान्य बालकों के साथ पढ़ाना है, इन सभी बातों पर विवेचना करना है और ध्यान देना है। इन्हीं के अनुसार हम उनकी सहायता एवं सहयोग प्रदान कर सकते हैं। दृष्टिबाधित बालकों को
शिक्षा देने का सबसे अच्छा तरीका कक्षाओं का आयोजन होता है बच्चों। एक विद्यालय में ऐसे बालकों की संख्या 1 से लेकर 500 से 600 तक हो सकती है तथा अध्यापक इस बात का निर्णय करता है कि क्या उसके लिए विशेष कक्षा का आयोजन किया जाए। इस कक्षा में विभिन्न श्रेणी की विशेष कक्षा का आयोजन किया जाए सामान्य कक्षा का, क्यों? क्योंकि सामान्य कक्षा में विभिन्न श्रेणी के बालक हो सकते हैं। और यदि राज्य द्वारा ऐसे विद्यालयों तो प्रबंधन नहीं हो पाता है कि विशिष्ट विद्यालय की व्यवस्था की जाए, तो इसे समाज सेवक मिलकर इसका प्रबंध कर सकते हैं। दृष्टिहीन बालकों की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ऐसा होना चाहिए बच्चों कि बालक अपने नेत्र विकार के होते हुए भी समाज में उचित समायोजन कर सके, और उनको उचित समायोजन करने के लिए इस कार्य के लिए विशिष्ट शिक्षकों की आवश्यकता होती है। वे विशिष्ट शिक्षक ही उनको इस योग्य बना सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, जब हम विशिष्ट दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा का प्रबंध करते हैं, तो सबसे पहले कक्षा व्यवस्था की विधि को देखते हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था पृथकीकरण, क्योंकि अब शिक्षा व्यवस्था पृथकीकरण या आधुनिक शैक्षिक सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। अतः एक सहकारिता योजना का विकास किया गया है, जिसके द्वारा कम देखने वाले बालक अपने कार्य एक विशेष समान के युवक में अपने कार्य एक विशेष समान से युक्त कक्षा में एक योग्य शिक्षक के अंतर्गत करते हैं। अन्य कार्यक्रमों के लिए वे अन्य औसत बालकों के साथ मिल जाते हैं। जब उनको विशेष कक्षा की व्यवस्था कर दी जाती है, उसमें उन्हें पढ़ाने के लिए ब्रेल लिपि माध्यम का प्रयोग किया जाता है, जो विशिष्ट अध्यापक पढ़ाते हैं। तो विशेष कक्षा में विशेष सामान से युक्त, विशेष कक्षा में विशेष सामान या सहायक सामग्री युक्त कक्षा में एक योग्य शिक्षक के अंतर्गत उन्हें पढ़ाया जाता है, और पढ़ाने के पश्चात जब ये कार्यक्रम पढ़ाने का अवधि समाप्त होता है, तब इन्हें औसत बालकों के साथ फिर बैठा दिया जाता है। सहकारिता, यदि कक्षा व्यवस्था की योजना सफलतापूर्वक चलती है, तो बालक के स्वास्थ्य तथा शिक्षा का उत्तरदायित्व अधीक्षक, प्रधानाध्यापक, स्कूल स्वास्थ्य सेवा अध्यापक तथा विशेष कक्षा के अध्यापक एवं बालक के माता पिता पर है, और इस सहयोग को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक को शिक्षा के विशेष उद्देश्य से परिचित होना चाहिए। जब तक वह शिक्षा के विशेष उद्देश्य से प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह अधीक्षक हो, प्रधानाध्यापक हो, स्कूल स्वास्थ्य सेवा हो, अध्यापक हो या विशेष अध्यापक हो, इन सभी लोगों को विशेष शिक्षा के उद्देश्य से परिचित होना होगा, तभी समस्या के समाधान में सभी पूर्ण सहयोग प्रदान कर सकते हैं। आंशिक रूप से देखने वाला जो बालक होता है, तो आंशिक रूप से देखने वाले बालकों को विशेष कक्षा तथा सामान्य कक्षा में फली प्रकार स्वागत करना चाहिए, बैठाना चाहिए, और उनकी समस्याओं का समाधान करते हुए उन्हें शिक्षण में सहायता प्रदान करना चाहिए। इसके साथ साथ दृष्टि विकलांग बालक है, तो इनके पाठ्यक्रम सामान्य बालकों जैसे नहीं होने चाहिए,
कम देखने वाले और औसत बालकों का पाठ्यक्रम एक सा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अध्यापकों को इस पर इस ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि कोई भी कार्य आवश्यकता से अधिक नहीं करवाया जाए, जिससे कि जिन बच्चों को कम दिखाई देता है उनकी आंखों पर जोड़ पड़े। तो इनका पाठ्यक्रम एक सा होता है, लेकिन उस पाठ्यक्रम में लचीलापन करके कुछ बदलाव करना चाहिए। शैक्षिक माध्यम तथा संसाधन की व्यवस्था, बालक दृष्टिहीन बालकों को शिक्षा प्रदान की जा रही है, जिन बालकों में देखने की क्षमता कम है। अब जिन बालकों में देखने की क्षमता कम है, जिन बच्चों को कम दिखाई देता है बच्चों, उनके लिए जब हम शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, शिक्षा संसाधन के रूप में, हमें सबसे पहले ये देखना है कि देखने उनसे देखने वाले कार्य कम करवाने होंगे, और जो कार्य वो कर रहे, जिस कक्षा में वो है, तो रोशनी का वहाँ पे विशेष व्यवस्था होनी चाहिए और रोशनी पर विशेष ध्यान देने का चाहिए। तो शैक्षिक माध्यम में, जब हम शैक्षिक माध्यम का प्रयोग करते हैं दृष्टिहीन बालकों के लिए, तो ऐसे बालकों के लिए शैक्षिक माध्यम एक बड़े पैमाने पर है। एक औसत बालक के लिए किताब 10 या 12 अंक के टंकन में होती है, पर आंशिक देखने वाले कारकों के लिए, जो दृष्टिहीन है उन्हें 10 या 12 अंक, और जो आंशिक देखने वाले कारक हैं उनको 18 या 24 अंक के टंकन में होती है। प्रिंट साफ तथा विस्तृत होना चाहिए, अनावश्यक टंकन उसमें नहीं होना चाहिए। सफ़ेद कागज पर काली स्याही से लिखा होना चाहिए। बड़े सफ़ेद या क्रीम रंग के कागजों पर मोटी तथा गहरी लीड वाली पेंसिल का प्रयोग करनी चाहिए। आर्ट तथा क्राफ्ट के लिए ऐसा सामान प्रयुक्त होना चाहिए कि आँखों पर अधिक जोर न पड़े। मशीनी तरीके जैसे टाइपराइटर आदि एक बड़ी मात्रा में प्रयोग होने चाहिए। टाइपराइटर के दूने की विधि का उपयोग में लाना चाहिए। रोशनी की भी विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। फर्नीचर, इन बालकों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकने वाले फर्नीचर अधिक अच्छे होते हैं। इन्हें बालक किसी स्थान पर ले जाकर बैठ सकते हैं। फर्नीचर इस प्रकार का हो जो पढ़ते हुए बालकों के लिए उपयुक्त हो। इनका रंग हल्का होना चाहिए। इसके साथ साथ बच्चों, जब दृष्टिहीन बालकों की शिक्षा की बात करते हैं तो उनके प्रवेक्षण की व्यवस्था भी होनी चाहिए। प्रवेक्षण यानी समयानुसार दृष्टि बालक बाधित बालकों को कक्षा में परिवेक्षण में मेडिकल तथा शैक्षिक परिवेक्षण प्रमुख रूप से सहयोग प्रदान करता है। तो मेडिकल परीक्षण, इसमें विद्यालय के डॉक्टर या क्लिनिक द्वारा समयानुसार उनकी जांच करानी चाहिए। उनके आँखों संबंधी परीक्षण, सामान्य स्वास्थ्य, आँखों की बीमारियों का इलाज, शरीर की बीमारियों का इलाज तथा चश्मा दिलवाने से संबंधित सभी सुविधाएं प्रदान होनी चाहिए। आँखों के डॉक्टर को बालक के स्वास्थ्य तथा आँखों का एक रिकॉर्ड, एक सूची बनाकर रखनी चाहिए। इन्हें ऐसे आलेख तैयार करना चाहिए जिसमें वह बालकों को आँख से अभ्यास
तथा इलाज के सुझाव दें। उन्हें यह बताना चाहिए कि बालकों को नियमित रूप से चश्मा पहनना चाहिए। अध्यापक को अक्सर इन निरीक्षकों से संबंध बनाए रखना है और समय अनुसार पे अध्यापकों को इसकी जानकारी भी प्रदान करनी है। आँखों के डॉक्टर को विशेष कक्षा में परीक्षण के लिए साप्ताहिक जाते रहना चाहिए तथा बालकों के माता पिता से भी संबंध बना रखना चाहिए। शैक्षिक पर्यवेक्षण, शैक्षिक पर्यवेक्षण बच्चों स्थानीय तथा राजकीय दोनों ही प्रकार से हो सकता है। एक राजकीय निरीक्षक को विशेष शैक्षिक सुविधाओं को बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। उन्हें शैक्षिक तथा सामाजिक कठिनाइयों दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। इन सभी के साथ साथ दृष्टिहीन बालकों की शिक्षा में अध्यापक की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। दृष्टि बाधित बालकों के अध्यापकों को आंखों की बनावट, सफाई, आंख की सामान्य बीमारियां तथा कठिनाइयों से परिचित होना चाहिए। इसीलिए यह कहा जाता है कि विशिष्ट बालक, जिन जो दृष्टिहीन बालक हैं, जिनको बिल्कुल आंशिक रूप से दिखाई दे रहा है, उन बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए विशिष्ट योग्यता एवं प्रशिक्षण युक्त अध्यापक की आवश्यकता हो, वही उनको शिक्षा प्रदान करें। वे बालकों को दवाइयों, रोशनी, शारीरिक सामान तथा शैक्षिक सामान की व्यवस्था उन्हें करनी चाहिए। इसके साथ ही साथ बच्चों, विशिष्ट बालक के अध्यापकों को पढ़ाई यानी शिक्षा की सभी विधियों का ज्ञान होना चाहिए। जब उन्हें शिक्षा की उचित विधियों का से वो परिचित होंगे, तभी वह बच्चों को मनोवैज्ञानिक ढंग से समझेंगे, उनकी शैक्षिक कठिनाइयों के साथ साथ संवेगात्मक कठिनाइयों को समझकर उन्हें शिक्षा प्रदान करेंगे। उसे बालक की अध्यापक को बालक की वर्तमान तथा भविष्य की आवश्यकताओं को समझने के साथ साथ उन समस्याओं को सुलझाने की शिक्षा देनी है। एक अध्यापक बालक में ऐसे गुणों को विकसित कर सकते हैं जिससे वह अच्छा सामाजिक, शैक्षिक तथा व्यवसायिक समायोजन कर सकता है, और वे उस बालक में, जो दृष्टिहीन बालक है जिसके लिए पूरा संसार अंधकारमय है, ऐसे बालक में ऐसी क्षमता उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए कि वह अपनी शारीरिक कमजोरियों के हीन विचार को मन में ही न ला पाए, उसके लिए उसके पास जगह ही न हो। उस बालक को अपने भविष्य की आकांक्षाओं, आशाओं के उड़ान पर देना चाहिए, जिससे कि वह अपने भविष्य में आगे बढ़ने के लिए सोचे, अपने शैक्षिक क्रियाओं पर बल दें। इसके साथ ही साथ बालकों के माता पिता से भी अध्यापकों को मिलते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि बालकों के माता पिता से मिलने से बालकों को जो संवेगात्मक कठिनाइयां हैं, समस्या हैं, समायोजन की कठिनाइयां हैं, उनको समझने में सहायता मिलेगी और दूर करने का प्रयास होगा। दृष्टिबाधित बालक अब सामान्य विद्यालयों की कक्षाओं में पढ़ने लगते हैं। वर्तमान समय में दृष्टिबाधित बालकों को कुछ समय के पश्चात सामान्य बालकों के साथ शिक्षा प्रदान की जाती है, लेकिन इन बालकों के लिए पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया जाता है। सामान्य विद्यालयों में
स्रोत शिक्षक तथा स्रोत कक्षाओं यानी विशेष शिक्षक एवं विशेष कक्षाओं की व्यवस्था की जाती है, जिसके माध्यम से उन्हें शिक्षा प्रदान किया जाता है। वास्तव में यह उत्तरदायित्व समान शिक्षक का ही होता है कि वह स्रोत शिक्षकों से मिले, स्रोत शिक्षक जो उनकी कठिनाइयों तथा समस्याओं के समाधान में सहायता करने का प्रयास करता है, उसे समान शिक्षक को समझना, ज्ञान प्रशिक्षण लेना, ज्ञान एवं कौशलों के माध्यम से समान शिक्षक को यह ज्ञान तथा कौशल अपने अंदर बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि वह सामान्य कक्षाओं में अगर विशिष्ट बालक पढ़ रहा है यानी दृष्टि बाधित बालक पढ़ रहा है तो वह उनकी समस्याओं को स्वयं समझ सके। सामान्य शिक्षा प्रदान करते समय, सामान्य कक्षाओं में शिक्षा प्रदान करते समय दृष्टिबाधित बालकों को कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले बच्चों, दृष्टिबाधित बालकों को शिक्षा ग्रहण करने का वही अधिकार होता है, सामान्य अधिकार सामान्य कक्षाओं में जो है वही अधिकार है जितना एक सामान्य बालक को होता है। शिक्षा के समान अवसरों की सुविधा संवैधानिक प्रावधान है। तो सामान्य विद्यालयों में दृष्टिबाधितों को प्रवेश जब नहीं दिया जाता है तब उन्हें प्रवेश न देने का कोई आधार नहीं रहता है। दूसरी चीज, दृष्टिबाधित बालकों को सामान्य विद्यालय में प्रवेश देने से पूर्व स्रोत शिक्षक से परामर्श अवश्य कर लेना चाहिए, जिससे कि शिक्षा के नियोजन यानी कि जो विशिष्ट बालक है उसके शिक्षा के जो भी कार्यक्रम बनाए जाएं, उनके नियोजन हेतु विशिष्ट शिक्षा, विशिष्ट विधियों प्रविधियों निर्देशन, इन सब की व्यवस्था करने का प्रयास किया जाए। सामान्य शिक्षक को दृष्टिबाधित बालकों हेतु शिक्षण सहायक सामग्रियों की व्यवस्था करनी चाहिए और इस दिशा में उन्हें हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। इसके साथ ही साथ बच्चों, शिक्षक को सामान्य बालकों की दृष्टि की भांति प्रत्येक बालकों की प्रत्येक प्रकार की सहायता करने के लिए प्रेरित करनी चाहिए। पढ़ने लिखने के अतिरिक्त उन्हें चलने फिरने में भी कठिनाई होती है तो वह उन्हें सहायता स्वयं प्रदान करना चाहिए। उनके सहपाठी जो सामान्य बालक हैं उनको भी इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि इन बच्चों को सहयोग एवं सहायता प्रदान करें। दृष्टिबाधित बालकों को सामान्य बालकों की तरह अधिगम अनुभव प्रदान किए जाने चाहिए। समस्याओं का समाधान अलग से किया जाए। सामान्य अध्यापक जो है शिक्षक को सामान्य अध्यापक जो है वह दृष्टिबाधित एवं सामान्य बालकों में अंतःक्रिया हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे कि दोनों के बीच घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा मिले। अगर दोनों में अंतर हो जाएगा, सामान्य बालक दृष्टिहीन बालकों को हीन दृष्टि से देखेगा तो वहाँ पे समायोजन नहीं होगा, बल्कि ये बालक अपने आप को उस दुनिया से अलग समझने लगते हैं, अपने आप को अर्थहीन समझने लगते हैं। इसलिए सबसे पहले सामान्य बालक और दृष्टिहीन बालकों को अंतःक्रिया हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके साथ साथ जहाँ तक संभव हो विद्यालय की सभी क्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और अवसर भी दिया जाए। दृष्टिबाधित बालकों को भी सामान्य बालकों जैसे गृह कार्य दिए जाने चाहिए। इसके साथ साथ
शिक्षक को इन बालकों हेतु कक्षा में समुचित वातावरण और बैठने की सुविधा का ध्यान रखना चाहिए। कक्षा में प्रकाश का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे बालक जो आंशिक रूप से जो आंशिक रूप से दृष्टिहीन हैं, जिन्हें दिखाई नहीं देता है, ऐसे बालकों को आगे की कुर्सियों पर बैठाया जाए, जिससे कि शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग समुचित ढंग से किया जाए। अब जिनको बिल्कुल कम दिखाई देता है, उनके लिए अध्यापक को श्याम पट पर बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए, जिससे कि वह समझ में आए। इन्हें थकावट, ऐसे बालक जो होते हैं जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, इन्हें थकान बहुत जल्दी हो आती है, इसलिए इनके कक्षा का स्वरूप यानी कालांश भी अपेक्षाकृत छोटा होना चाहिए। इसके साथ साथ बच्चों, अध्यापक का कर्तव्य है कि कक्षा शिक्षण में अधिकांश शिक्षक हाव भाव, संकेतों तथा अशाब्दिक भाषा का उपयोग अधिक करते हैं, लेकिन दृष्टिबाधित बालक हाव भाव और अशाब्दिक भाषा का लाभ नहीं उठा सकते हैं, इसलिए उनकी अभिव्यक्ति शब्दों के माध्यम से करना चाहिए। उन्हें दृश्य के अपेक्षा श्रव्य माध्यम का अधिक से अधिक प्रयोग करके पढ़ाना चाहिए, जिससे कि वो सुन सकें। इनकी ज्ञानेंद्रियाँ बहुत तेज होती हैं, इनमें सुनकर समझने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है और बहुत दीर्घकालिक इनको याद रहता है। इसके साथ साथ बच्चों, जब दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, तो उनमें विशेष बातों का ध्यान दिया जाता है, अध्यापक की भूमिका इनके लिए महत्वपूर्ण होती है। ठीक उसी प्रकार से बच्चों, इनके कक्षा के प्रबंधन में भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि इन बालकों को दिखाई नहीं देता है, इनको असुविधा न हो, इसके लिए जब कक्षा प्रबंधन किया जाता है, तो दृष्टि बालकों की शिक्षा सामान्य विद्यालयों की कक्षा में दी जा सकती है, परंतु दृष्टिबाधित बालक सुनकर तथा स्पर्श करके ही ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। जब पाठ्यक्रम समान ही होता है, तो धनात्मक पाठ्यक्रम को विशेष महत्व दिया जाए। इनके लिए शिक्षण विधियां ऐसी हों जिसे ये बहु इंद्रिय अनुभव के द्वारा सीख सके। दृष्टिबाधित बालकों हेतु धनात्मक पाठ्यक्रम का उपयोग किया जाए, जिससे उन्हें सीखने में सहायता मिलती है और उनके लिए सुविधाजनक होता है। अतिरिक्त पाठ्यक्रम का उपयोग नहीं किया जाए तो उपयुक्त रहेगा। जो इनके शिक्षा में, शैक्षिक विकास में पाठ्यक्रम आवश्यक है, जिनसे इनके इंद्रियों का, बहु इंद्रियों का विकास हो, बहु इंद्रियों द्वारा इनको अनुभव हो, उन्हीं पाठ्यक्रम का प्रयोग करना चाहिए, अतिरिक्त पाठ्यक्रम का उपयोग नहीं करना चाहिए। कौशल के विकास को, कौशल से संबंधित प्रशिक्षण युक्त कौशलों के विकास से इन्हें सीखने में सरलता होती है। तो धनात्मक पाठ्यक्रम इनके लिए क्या होते हैं, ये आपके दिमाग में आ रहा है, धनात्मक पाठ्यक्रम से यहाँ क्या तात्पर्य है, क्यों विशिष्ट बालकों को धनात्मक पाठ्यक्रम की व्यवस्था करने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ समझिए बच्चों, धनात्मक पाठ्यक्रम क्या है। धनात्मक पाठ्यक्रम वह है जिसके माध्यम से इनको शिक्षा ग्रहण करने में सहायता उत्पन्न होती है, जैसे ब्रेल लिपि दृष्टिहीन बालकों के लिए एक महत्वपूर्ण लिपि होती है, और ब्रेल लिपि एक महत्वपूर्ण शिक्षण विधि भी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि ब्रेल लिपि के 6 विभिन्न उभरे हुए संकेतों के माध्यम से मोटे कागज पर अंकित होते हैं। 6 उभरे हुए संकेतों के माध्यम से ये मोटे कागज पर अंकित होते हैं दृष्टिहीन बालकों द्वारा
दोनों हाथों की अनामिका, दृष्टिहीन बालक दोनों हाथों की अनामिका के अगले भाग से उभरे हुए बिंदु संकेतों को स्पर्श करके अक्षर संकेतों को पहचानते हैं। इस प्रकार ब्रेल लिपि में दृष्टिहीन बालकों के नवचेतना का संचार किया जाता है। आगे कहा था, आगे आपको बताया थे कि ऐसे पाठ्यक्रम का प्रयोग किया जाना चाहिए जो धनात्मक हो और उनको बहु इंद्रिय अनुभव दिया जा सके। तो यहाँ पे क्या है, धनात्मक भी है और बहु इंद्रिय, यानी वह स्पर्श के माध्यम से बिंदु संकेतों को स्पर्श करके स्पर्श के माध्यम से संकेतों को पहचानते हैं और इस प्रकार से इनके अंदर नवचेतना का संचार होता है। नेक्स्ट है बच्चों, कुछ अन्य विशेष प्रकार के उपकरणों की सहायता से नेत्र विकलांगों को लिखना पढ़ना, सामान्य गणित, भूगोल आदि अन्य स्कूली विषयों की भी शिक्षा दी जाती है। इसके साथ साथ पाठ्य सहगामी क्रियाओं में मानसिक क्रियाएं जैसे संगीत, ऐसे बालकों की संगीत में बहुत रुचि होती है, वह अपने मधुर गान लय से, अपने मधुर संगीत से प्रकृति को छूना चाहते हैं। वो देखते नहीं, जैसे सूरदास को आप देखिए, एक एग्जांपल लीजिए, सूरदास ने देखा कुछ भी नहीं लेकिन उन्होंने कृष्ण के वात्सल्य वर्णन ऐसा किया जैसे लगता है कि वह स्वयं आंखों से देखे हैं। ठीक उसी प्रकार से इन बच्चों में इतनी मेधा शक्ति होती है, आंखों से देखते नहीं हैं लेकिन अपने इंद्रिय क्षमताओं से इनमें सुनने, समझने और स्पर्श के द्वारा अधिगम की बहुत ज़्यादा क्षमता होती है। इसी तरीके से हम बताना चाह रहे थे बच्चों की इनकी मानसिक क्रियाएं जैसे संगीत व अन्य खेल कूद की प्रतियोगिताओं में भी शामिल किया जाए, शारीरिक व मानसिक क्रियाओं का भी अभ्यास कराया जाए, नृत्य कौशल का विकास भी किया जा सकता है। इसके साथ साथ इन बालकों के सामाजिक कौशलों का, इन बालकों में क्या होता है, सामाजिक कौशलों का अभाव होता है। अच्छे सामाजिक व्यवहारों के लिए इन्हें प्रोत्साहित किया जाए, कक्षा में बोलने का अवसर दिया जाए जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़े, इसके साथ साथ उन्हें उत्तम आचरण का प्रशिक्षण भी दिया जाए। इस प्रकार से बच्चों दृष्टिहीन बालकों को विशिष्ट शिक्षा प्रदान करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। वर्तमान समय में भारत में नेत्र विकलांगों की शिक्षा में अब विशेष रुचि ली जा रही है। इसके पहले इतना ज़्यादा विकसित नहीं था, न इनके विषय में इतना ज़्यादा सोचा जाता था, न इनके लिए इतनी ज़्यादा व्यवस्थाएं थी कि इनको सहयोग एवं सहायता प्रदान हो सके, लेकिन वर्तमान समय में भारत में नेत्र विकलांगों की शिक्षा में अब विशेष रुचि ली जा रही है। इसके लिए देहरादून में स्थित राष्ट्रीय दृष्टिहीन विकलांग संस्थान बालकों के सर्वांगीण कल्याण के लिए कार्यरत है। इसके अतिरिक्त नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड इस क्षेत्र में विभिन्न उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ विभिन्न अंध विद्यालय भी चलाए जा रहे हैं। इन अंध विद्यालयों में कुछ विशिष्ट सहायक उपकरण भी प्रयोग में लाए जा रहे हैं जो निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहले ऑप्टाकॉन एक विशेष प्रकार का कैमरा होता है जो प्रतिबिंबों को अक्षर के रूप में विकसित करता है, जिसे दृष्टिहीन बालक उंगलियों के माध्यम से स्पर्श कर सकते हैं।
इससे इन्हें इससे दृष्टिहीन बालकों को समाचार पत्रों, पाठ्य पुस्तकों आदि को पढ़ने में सहायता मिलती है। दूसरा है बच्चों लघु ब्रेल रिकॉर्डर। इसके द्वारा एक साथ कई दृष्टिहीन बालकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है। इसमें टेप कैसेट का प्रयोग किया जाता है और इस शिक्षण पद्धति का प्रयोग, इस शिक्षण तकनीकी का प्रयोग गणित अध्ययन के लिए इसका विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात आता है बच्चों कुर्जवेल अध्ययन मशीन। कुर्जवेल अध्ययन मशीन यह एक छोटा कंप्यूटर सदृश उपकरण होता है जो छपे हुए अंश को ध्वनि के रूप में रूपांतरित करता है। इस मशीन के प्रयोग के द्वारा दृष्टिहीन कंप्यूटर का उपयोग सरलता से कर लेते हैं। तो इन मशीनी तकनीकी उपकरण के माध्यम से दृष्टिहीन बालकों को शिक्षा प्रदान करने में सहायता मिलती है और इनको इसके साथ ही साथ बच्चों इनको शिक्षा ग्रहण करने में भी इन सहायक उपकरणों के माध्यम से इनको शिक्षा ग्रहण करने में भी काफ़ी लाभ होता है। इस तरीके से दृष्टिहीन बालकों के विकास में अभिभावकों एवं समाज के सदस्यों में नेत्र विकलांग बालकों के प्रति एक अच्छी अभिवृत्ति का विकास हुआ। वे बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए सोचे, उनको सहायक उपकरणों के प्रदान करने के विषय में सोचे। इसके साथ साथ इन बालकों को आवश्यक सहायता एवं प्रोत्साहन प्रदान करने के विषय में सोचे और उसको करने का प्रयास भी किए। यह सत्य है कि नेत्र विकलांग बालकों के पास दृष्टि नहीं होती है, परंतु समाज के सदस्यों द्वारा इन्हें उचित शिक्षण दिया जा सकता है, उनकी शिक्षण में सहायता प्रदान की जा सकती है। शिक्षण सहायक सामग्रियों को उनको प्रदान करके उनकी सहायता के द्वारा उन्हें योग्य नागरिक बनाया जाता है, जिससे कि वो अपनी आजीविका का पालन कर सकें। अभी वर्तमान में आपने सुना होगा कि नेत्रहीन आईएएस, पहले नेत्रहीन आईएएस एक महिला बनी, तो क्या इसने शिक्षण को ग्रहण किया? इनके माता पिता ने सहयोग किया, शिक्षण संस्था के अध्यापक ने सहयोग किया, जिससे कि आज वो वहाँ पे पहुँची। तो नेत्रहीनों के लिए अगर माता पिता, अभिभावक, अध्यापक, समाज के लोग और सरकार ये सभी ध्यान देते हैं तो इनके में दृष्टिहीनता होते हुए भी इनको इंद्रिय जनित ज्ञान इतना होता है कि ये भी एक सामान्य व्यक्ति के बराबर अपनी क्षमता को विकसित करके अच्छे स्थान को प्राप्त कर सकते हैं और उत्तरदायित्वों को पूरा कर सकते हैं। इन्हें उचित शिक्षण दिया जाए जिससे इनके ज्ञान एवं कौशलों की वृद्धि हो तथा ये समाज एवं राष्ट्र के लिए उपयोगी नागरिक बन सके। बच्चों ये टॉपिक अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं।